लोकसभा के इस चुनाव में बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच ने ये निर्णय लिया है कि बीजेपी और शिवसेना और युति में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उम्मीदवारों को चुन के लाने का बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच ने निर्णय लिया है। साथ में ही जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि बीजेपी के युति में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उसी तरीके से हमें प्रचार करना है जिस तरीके से हमारा खुद का उम्मीदवार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के युति में रहने वाले सभी उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा, चुन के आएंगे और भारत में फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। देखो, मैं पहले से ही गडकरी साहब को जानती हूँ और गडकरी साहब ये विकास पुरुष है। उन्होंने जिस तरीके से नागपुर का विकास किया है, नागपुर के साथ पूरे महाराष्ट्र का विकास किया है, और मैंने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने विभाग के माध्यम से पूरे देश में रस्तों का एक नेटवर्क तैयार किया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि 10,000 करोड़ रुपए के तथागत गौतम बुद्ध का जन्म से लेके निर्वाणस्थ तक का स्थान को रस्ते के माध्यम से जोड़ने के लिए उन्होंने निधि मंजूर किया। मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी साहब के पास एक विजन है, और इसलिए गडकरी साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार करके अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी या संधि मिलती है तो मुझे लगता है देश बहुत आगे बढ़ेगा।